एरिया 51, इस रहस्यमय जगह के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यूएस की ये जगह एलियंस और यूएफओ जैसी मिस्टीरियस चीजों के लिए फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि एरिया 51 जैसी जगह इंडिया में भी है? जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर यूएफओ को देखे जाने की बात लगातार कही जाती रही है। इस एरिया का नाम है द कोंकाला पास, जो कि लद्दाख में है। गाइस, वहां के आसपास के लोगों का यह दावा है कि उन्होंने वहां पर यूएफओज देखी हैं। इनफैक्ट यह भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन हम आम लोगों के लिए आज भी ये एक रहस्य है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको इसके बारे में जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसको लेके घरों में पार्टनर्स या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते और इसीलिए हम लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं और सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको महसूस हो कि आर्ग्यूमेंट या झगड़ा शुरू होने वाला है, अपने आप को 10 मिनट के लिए उस सिचुएशन से दूर कर लीजिए और कम से कम 10 मिनट तक आप किसी भी बात का जवाब ना दीजिए। और हो सके तो बाथरूम जाइए और उस हाथ से ब्रश कीजिए जनरली जिस हाथ से आप ब्रश नहीं करते हैं, जिससे आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को एक नए सिरे से सोचेगा और हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और आपका इससे सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाइस, एक बार आजमा के देखिए, ये मेरा ट्रिक है। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुनिया भर के करोड़ों फैंस के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और ये बंदा भी अपने फैंस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता है। कैसे? हाल ही में यूरो 2020 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहुंचे, उन्होंने नोटिस किया कि माइक के पास दो सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल्स रखी हुई हैं। तो उन्होंने तुरंत उन सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल्स को हटाया और कैमरे के सामने पानी की बोतल को पकड़ के ये कहा, ड्रिंक वाटर। हालांकि वो सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड पूरे टूर्नामेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर था, लेकिन इस बात की परवाह रोनाल्डो ने नहीं की और सही संदेश अपने फैंस को दिया। और ऐसा करके रोनाल्डो ने अपने फैंस में अपना विश्वास और मजबूत किया। गाइस, आपको रोनाल्डो की ये बात सुनके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।